सो गाइस आज है हमारे पास ओडी का टीटी। आज हम इसका करने वाले बेसिक सर्विसिंग, जैसे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, ये सब चेंज करेंगे आज हम इसको। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे मेन इसका जो कि चैम्बर नट, वो कि प्लास्टिक का आता है, उसको बहुत संभाल के करना पड़ता है। चलिए मैं आज इसका पूरा दिखाता हूँ आपको सर्विसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं गाड़ी। ये लग गई हमारी गाड़ी। अभी हम इसका खोलेंगे बोनट। तो चलो अभी हम आ गए यहाँ पे, देखिए ये इंजन कंपार्टमेंट इसका। तो सबसे पहले चलते हैं, ओह माय गॉड, इसका छोड़ देंगे ऑयल। यहाँ पे रहता है पतरा, ये सब पतरे के जितने भी स्क्रू है सब निकाल लें। तो चलिए अभी हमने ये देखे निकाल लिए, तो आवाज सिर्फ आगे का निकाल लें आप, पीछे की जरूरत नहीं रहती है। ये रहा इसका चैम्बर नट, टच चैम्बर नट। ये देखिए ये जब प्लास्टिक का है, इसको बहुत संभाल के खोलना पड़ता है। ईजी एकदम, बस स्क्रू ड्राइवर अच्छे से डाल दे उसके अंदर होल में, ऐसा सीधा खड़ा करके स्क्रू ड्राइवर उसके अंदर डालेंगे, एकदम परफेक्ट मैच हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, जिसे पाने की जरूरत नहीं रहती। तो ये देखिए अभी ऐसे ही खोल दे बस इसको, और ये दो तीन थ्रेड रहते हैं बस, उसको बाकी कुछ नहीं रहता, ये आ जाता है पूरा बाहर। तो ये देखिए हो गया लूज। सो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया लूज यहाँ पे, बस ऐसे ही सिंपल दो तीन थ्रेड रहते हैं, ये निकल जाता है बस। इसको बाकी का सब मेन ओरिंग के ऊपर खेल रहता है, ओरिंग कट गया तो ऑयल लीक करेगा, बाकी इसे कुछ ऑयल लीक करता नहीं है। एकदम सिंपल हल्का सा टाइट कर दें, और वो टाइट करते टाइम उतना ही टाइट होता है, मतलब जहाँ पे लॉक हो जाता है जाके चला जा। तो चलो अभी हम चलते हैं ऊपर, ऑयल छोड़ दिए, चला जाओ ऑयल फिल्टर। अभी हम आते हैं इसका ऑयल फिल्टर खोलने के लिए, जो कि यहाँ पर रहता है, और इसका पाना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका ये 32 का बॉक्स बिटा दे, वो निकल जाता, मतलब इजी खुलता है, एकदम परफेक्ट बैठ जाता है उसके ऊपर 32 का बॉक्स पाना। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं, सीधा सीधा करके खोला बस, एकदम आराम, हमारा पूरा इधर उधर बैंड किया ना तो टूट जाता है। अभी ये निकल जाएगा, उसके बाद फिर बाकी का एयर फिल्टर चेंज करेंगे, और इसका कूलर विलर ये सब चेक कर लेंगे बस, सब मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। अभी ये निकल गया हमारा फिल्टर, एकदम इजी रहता है, बस ऐसा ही स्लाइड करके ऊपर साइड में निकाल ले बस। और ये आ गया हमारा नया वाला, और इसका कभी भी ध्यान दे, मतलब ऐसे कभी भी लग्जरी कार का जो भी करेंगे उसका सिर्फ जो नंबर है साइड है जो लिखा हुआ है उसको ऊपर की साइड में रखें, नंबर साइड ऊपर रहना चाहिए, जिधर बिना लिखा हुआ है जिधर कुछ नहीं है उसको नीचे साइड में। और इसका अभी हम कर लेते हैं ये ओरिंग चेंज, मैं ये फिल्टर के साथ में आता है बस, वो ओरिंग डाल देंगे तो क्या होता है, मतलब ऑयल विल लीक नहीं मारता है। तो चलो अभी हम लगा देते हैं इसको, ये रहा हमारा नया वाला ओरिंग, ऑयल की वजह से ये ज़रा स्लिप खा रहा है। तो अभी ये देखिए ये परफेक्ट, अभी ये बैठ गया। अभी इसको लगाते टाइम बस इसमें मतलब थोड़ा ऑयल लगा के लगाया रिंग में, ताकि वो इजी जाएगा, ज़्यादा मतलब कस के लगाएंगे और ज़्यादा मोटा ओरिंग रहेगा तो वो क्रैक कर देता है डायरेक्ट पूरा फिल्टर बॉडी को। और ऑडी तो ऑडी है, इतना महंगा सामान रहता है इसके साथ। अभी कर देते हैं इसको टाइट, और इस पर टॉर्क उतना ही देना है जिसके ऊपर उसने उसके ऊपर देखिए ये 25.5 NM लिखा हुआ रहता है, उतना ही टाइट बस। तो अभी करते हैं इसका एयर फिल्टर, ये देखिए इसके सब स्क्रू हमने निकाल दिए है, जो कि LNK का ट्रॉक्स आता है उससे निकाल दे बस, सिंपल है वो निकाल दे। और यहाँ पर हम ये देखिए ये ब्रेक ऑयल, अभी ये मैं चेक कर लूँगा, और ये कूलेंट लेवल। और चलो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, अभी ये बेल्ट यहाँ से भी देख लें। तो चलो अभी निकालते हैं इसका फिल्टर, ये देखें ऐसा हो गया, ज़्यादा तो गंदा नहीं है लेकिन फिर भी मतलब हम चेंज कर देंगे, जब नया है तो नया डालने का। ये देखें नया वाले का क्या है पुराने वाले का। चलो अभी इसको डाल देते हैं, और इसको लगाते टाइम उसको क्लीन विलीन थोड़ा कर ले, वैसे हमने किया है, और उसको क्लीन करके बस ऐसा लगा दे बस, वापस बस ऐसे परफेक्ट फिटिंग करके और उसको लगा दे सब बोल्ट। तो ये हो गया हमारा सब, अभी एयर फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज। अभी यहाँ पे देखिए इसका ये जो गियर ऑयल का वो रहता है उसको फिल्टर रहता है उसका है। तो ये देखिए अभी चलो, अभी तो वो दोनों फिल्टर हमने चेंज कर लिया, अभी लगा देते इसका चैम्बर नट। अभी वो जब अपन लगाते इसको ओरिंग का ध्यान देने का, बाकी कुछ नहीं, लगाते टाइम एकदम सिंपल है, वैसे लगा के हाथ से टाइट करें, उसके बाद फिर आप प्लस डाल के मतलब वही माइनस डाल के ऐसा कटाएं, वो जब मतलब परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएंगे उसके बाद वो घूमेगा ही नहीं, मतलब एक बार घूम गए मतलब परफेक्ट जगह पे आ जाएंगे ना तो वो घूमता नहीं वापस दूसरी साइड, मतलब और टाइट नहीं होता एकदम जिसे अपन करते और टाइट वैसे नहीं होता, वो एक बार परफेक्ट जगह पे बैठ गया तो वैसे बैठ ही जाता है।
तो चलो अभी इसको कर देते हैं हम टाइट। ये देखिए अभी हो गया, ये देखिए कटकुट एकदम सीधा आ गया, ऐसा ही रहता है बस, सिंपल वो बैठ जाता है। अभी वो लीक वीक नहीं मारेगा, फिर भी हम इसको साफ कर देते हैं ताकि मतलब हम लीक चेक कर सकें। लीक तो नहीं है ना, मतलब ऐसे रहेगा नहीं क्योंकि बहुत बार किया हमने ऐसा। तो अभी यहाँ से डालते हैं इसका इंजन ऑयल। कंपनी तो बोलती है कैस्ट्रोल का डालें, लेकिन हमारे पास है इंजन ऑयल 530 एकदम मस्त, उसका डालेंगे हम। और यहाँ से हम पहले कर लेते हैं इसका ब्रेक ऑयल चेक। ये देखिए यहाँ पे पूरा है टॉप अप लेवल, कूलेंट भी ऐसा ही लेवल वहाँ पे लिखा रहता है, वो भी चेक करके ऐसा ही मस्त मतलब उतना ही डाल दे बस। और ये इसका जंपिंग पॉइंट, कभी भी आपकी गाड़ी का बैटरी डाउन हुआ तो यहाँ से जंप कर सकते हैं बस। तो चलो अभी डालते हैं इसमें इंजन ऑयल। बस संभाल संभाल के डालें इंजन ऑयल, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वो संभाल संभाल के डालें। यहाँ पे उसका डिबिस्टिक एकदम ईजी है, ऑडिए बोले तो ईजी रहेगा। ये देखिए बस यहाँ से निकाल के चेक कर लें उसको वो, उसके बाद गाड़ी चालू करेंगे, फिर उसके बाद लेवल चेक करेंगे क्योंकि फिल्टर में भी ऑयल जाता है तो कम होता है। तो अभी चलो अभी कर देते हैं हम इसका। ये तो हो गया, देखें यहाँ तक आ गया लेवल, अभी इसको हम लगा देंगे और उसके बाद गाड़ी चालू करके फिर चेक करेंगे। तो चलो करते हैं गाड़ी चालू। ये है ऑडी का टीटी, ये देखें अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमारे पास है उसका की और ब्रेक पे पैर रखेंगे, करूंगा चालू, करेंगे स्टार्ट। ये हो गया हमारा गाड़ी स्टार्ट। देखिए वो सर्विस लाइट का वो भी आ रहा है, वो भी क्लियर करेंगे। और इसका सर्विस लाइट आप कभी भी करें तो स्कैन से करें, मतलब नहीं तो वापस आ जाते। ये देखिए हमारा इंजन एकदम चालू, अभी यहाँ से एकदम मस्त हम अभी चेक कर लेंगे वहाँ पर, नीचे का और बाकी का हो जाएगा हमारा गाड़ी क्लियर। तो बस